केंद्र सरकार के दबाव के चलते कांग्रेस के नेता और लोकसभा से चुने हुए श्री राहुल गांधी जी को उनकी सदस्यता जो है निरस्त करके उनको 8 वर्षों के लिए चुनावों में शामिल ना होने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी से बहुत जगह हमारे कांग्रेस पार्टी से मतभेद रहते हैं। जब जब हम पे केंद्र सरकार ने हमले किए, कांग्रेस के नेताओं ने तालियां भी बजाई। जब जब उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पे हमले किए, अजय माकन साहब ने तालियां बजाई। मगर हम ये बात हमेशा कहते थे कि अगर केंद्र सरकार प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज को कुचलेगा तो लोगों की आवाज कौन उठाएगा, महंगाई का मुद्दा कौन उठाएगा, बेरोजगारी की बात कौन करेगा, केंद्र सरकार से सवाल कौन करेगा। एक तो पहले ही विपक्ष को बहुत जगह बहुत बार संसद के अंदर दबाया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, और अब छोटे छोटे मामलों के अंदर दर्जन भर राज्यों के अंदर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। मुकदमे दर्ज करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ ले, भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई विपक्ष होगा ही नहीं, वही चुनाव लड़े, वही चुनाव जीते। ऐसा तो डिक्टेटरशिप पे सुना जाता था। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने एक साधारण सा पोस्टर लगवाया, मोदी हटाओ देश बचाओ। इसमें ऐसा क्या बड़ी बात हो गई? हर राज्य के अंदर जब चुनाव होते हैं उसके मुख्यमंत्री को हटाने की बात होती है। वर्षों से जब केंद्र सरकार में चुनाव होते हैं, कभी वीपी सिंह को हटाने की बात हुई, कभी चंद्रशेखर को हटाने की बात हुई, कभी वाजपेयी जी को हटाने की बात हुई, कभी मनमोहन सिंह को हटाने की बात हुई, तो इसमें मोदी जी को हटाने की बात हो गई तो इसमें क्या बुरी बात है? प्रजातंत्र का मतलब ही है कोई कुर्सी से हटेगा कोई दूसरा आएगा। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है कि 138 मुकदमे आम आदमी पार्टी के छोटे छोटे लोगों के खिलाफ, प्रिंटरों के खिलाफ, पोस्टर लगाने वाले गरीब लोगों के खिलाफ मुकदमे कर दिए गए, लोगों को जेल में ठूस दिया गया। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष की आवाज दबाने में केंद्र सरकार कामयाब नहीं होगी, और जो काम मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करके केंद्र सरकार ने किया है, उस एक अरेस्ट की वजह से 14 विपक्षी दल साथ आ गए। केंद्र सरकार ने नहीं सोचा होगा, बहुत कवायतें चल रही थी कि कैसे जो है विपक्षी दल किसी एक बात पे साथ आ जाएं, और ये मौका भी केंद्र सरकार ने दे दिया कि कुछ मामलों में, कम से कम लीगल मामलों के अंदर 14 विपक्षी दल एक साथ आकर आज सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि साहब ये केंद्र सरकार तो हमको कुचल देगी, विपक्ष को खत्म कर देगी, तो प्रजातंत्र कैसा चलेगा। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। ये सीधा सीधा घबराहट के, नर्वसनेस के जो हैं ये संकेत हैं कि केंद्र सरकार नर्वस है, केंद्र सरकार घबराई हुई है।